अभी तक मैं काफ़ी सैड था कि वीडियो हट चुकी है, और मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो टेक डाउन हुई है। बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स का खुद से ही एक मतलब निकाल रहे हैं। मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं, जहाँ पे मेरे एक-एक वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो गाइस, जब भी हम कुछ कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, तो उसे हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस, स्टेटमेंट या डायलॉग को आधा पढ़ोगे या फिर उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे, तो उसके तो 100 मतलब निकल सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है। मैं उनमें से तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दीकी ब्रांड्स वाला पॉइंट कहता है कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के पास यूट्यूबर्स से ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो मैंने उसके रिएक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रांड डील्स होती है तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रिएटर्स के को लेकर होती है, तो उनकी एक इंडिविजुअल क्रिएटर की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, और उसी ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था, जो मैंने 200 रुपये से रिप्रेजेंट की थी। अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर तुम हिंदी में लिखे ह्यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ स्लैंग्स को, तो उसका एक अलग ही मतलब है, और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो, वो दोनों केसेस में है। तो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ अपनी अजम्पशंस को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो। और अभी तो मुझे मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो टेक डाउन हुआ है, तो अपनी तरफ से अजम्पशंस मत लगाओ। और प्लीज़ पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो, प्लीज़।